अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता सैलेड, जो बहुत ही टेस्टी होता है और आप इसे फटाफट से बना सकते हैं। जब भी आपका कुछ खाने का मन करे बढ़िया सा, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप इसे सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं इस फटाफट क्विक सी रेसिपी को। बहुत सारी वेजिटेबल के इसके साथ बनाएंगे इसको हम, जो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लेंगे, इसमें डालेंगे एक बाउल पास्ता जो हमने उबाल लिया है। इसमें डालेंगे हम एक मीडियम साइज का प्याज जो बारीक चॉप किया हुआ है, आधा कप स्वीट कॉर्न उबाल लिए हैं ये डाल देंगे, एक बड़ा टमाटर जिसको बारीक चॉप कर दिया है ये भी डाल दिया, बारीक कटा हुआ एक खीरा। सभी वेजिटेबल को आप छोटे पीस में कट कर लें। 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर डाल देंगे हरा धनिया, एक बड़े नींबू का जूस डाल देंगे इसमें, 1 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें हम मेल्टेड बटर, 2 टीस्पून डाल देंगे इसमें टमाटर केचप, 3 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें मेयोनीज, यहाँ पर डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक, नमक क्योंकि हमने पास्ता में भी डाला था तो एहतियात से नमक डालें, 1/4 टीस्पून डाल देंगे इसमें काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच डाल देंगे हम इसमें पेपरिका पाउडर, जिससे इसमें कलर तो बहुत अच्छा आएगा और जो है इसमें मिर्चें तेज भी नहीं होंगी। तो आप यहाँ पर अगर स्पाइसेस ज्यादा खाते हैं तो बढ़ा सकते हैं मिर्चें। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब जब आपको खाना हो इसको तब आप इसमें कुरकुरे डालें, क्योंकि पहले से ना डालें क्योंकि जो है ये बाद में ये सॉफ्ट हो जाएंगे, इतने क्रंची नहीं रहेंगे। तो इसलिए आप इसको जब आप इसको सर्व करें जब ही डालें। तो इसलिए आप इसको सैलेड को जब भी पहले से बना कर रख लें, और जब आपको किसी को देना हो तो इसको जल्दी से फटाफट से कुरकुरे मिक्स करें और इंस्टेंटली किसी को भी दे सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी से बन जाता है और बहुत टेस्टी ये लगता है। तो भाई हमारे यहाँ तो ज़्यादातर वीकेंड्स पर यही सर्व होता है, यही बनाया जाता है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद यह आता है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, लेकिन बनाएं ज़रूर इसको क्योंकि बहुत जल्दी से बहुत क्विक की बन जाती है। तो रेसिपी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, हमसे इसी तरीके से जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।